हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी जो समर्स में जो बेबी को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप जो समर्स में जो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है उससे बेबी को कैसे ठीक रखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप उसके डाइट पे चेंजेस लाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बेबी की डाइट पे हम लोग सोचते हैं कि गर्म आ चुका है, तो हमें उसकी डाइट पे अब ये जीरा, अजवाइन और लहसुन का यूज़ नहीं करना है, मगर हमें करना है क्योंकि बेबी की बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम लोगों को बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर चीज़ से, हर बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, तो ज़रूर लहसुन को उसकी डाइट में इंक्लूड करें, तभी ये ठीक रहेगा। तो लहसुन ज़रूर डालें, अजवाइन ज़रूर डालें बेबी की डाइट पर, थोड़ा भी डालें बहुत है तो आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा डालें। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ज़रूर अपनी बेबी की डाइट पे ये सब चीज़ें इंक्लूड करें। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता दूँ, बेबी रब, विक्स, जो बेबी रब आता है, जैसे ही आपको लगता है कि आपके बेबी के गले में कफ हो रहा है, गले में बेबी को परेशानी हो रही है बोलने में, या बेबी थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, छाती में कफ जम रहा है, तो उसके बेबी के चेस्ट पे बेबी रब लगा लें। बेबी रब आता है पिंक कलर की बॉटल में विक्स का, उसको लगा लें, और एक यहाँ साइड्स में लगा लें उसकी, और बैक में भी लगा लें, तो इससे काफ़ी बेबी को हेल्प मिलेगी इस चीज़ से फाइट करने की। और देखना कि आप 2 ही दिन में बेबी ठीक हो जाएगा। और उसको लगाने के बाद नाइट में लगाएं, उसको लगाने के बाद उसको कंबल दे दें या कोई चादर उड़ा दें, तो उससे वो उसका जो हीट होगा तो वो उससे ठीक होगा। जितना उसको स्वेटिंग होगी, जितना उसको पसीना आएगा, उससे उतना ही ज़्यादा वो ठीक होगा बेबी। थर्ड पॉइंट है सीतोफल आदि चूर्ण, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो कि एक हर्बल चूर्ण है, एक डब्बे में आता है, उसको ले लीजिए। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है बेबीज़ को, देना ज़रूरी चाहिए हम लोगों को, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है बेबीज़ के लिए, उसको ज़रूर दे बेबीज़ को। जैसे कभी आपको लगता है कि बेबी को कफ हो रहा है, खांस रहा है, बेबी बहुत ज़्यादा खांसने लग गया है, तो उस टाइम पर आप अपने बेबी को थोड़ा सा चूर्ण और उसमें थोड़ा सा हनी डाल के मिक्स करके उसको चटा दीजिए, तो देखना कि आपका ज़रूर बेबी जल्दी ही ठीक हो जाएगा, उससे उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में और आपको वैसे भी मिल जाएगा। ये मैं भी अपने बेबी को ज़रूर देती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि बेबी को गर्मियों में कफ हो गया है, या थोड़ा भी गला बंद हो रहा है या चोक हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने ही टेम्परेचर का पानी उसे बेबी को भी दे देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि उन्हें गर्म हो रहा है तो हम सीधा फ्रिज का वाटर उसको दे देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग क्या करिए, पहले तो बेबीज़ को नॉर्मल वाटर जो होता है उतना ही नॉर्मल वाटर टेम्परेचर में ही दें, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा हल्का ठंडा दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडा मत दीजिए, क्योंकि बेबीज़ इतनी जल्दी से उस वाटर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता जितना ठंडा हम ले सकते हैं। आइसक्रीम वगैरह तो थोड़ा दूर रखिए, हो सके तो थोड़ा खिलाइए, कभी ऐसे डेली मत खिलाइए, डेली उसको ठंडा पानी देना या डेली आइस क्यूब डाल के वाटर देना, ये सब मत दीजिए। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता दूँ, फोर्थ पॉइंट है हमारा सरसों का तेल। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत बच्चों को अभी स्टार्टिंग है और अभी हो सकता है कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो आप उस टाइम पे उसके बेबी के चेस्ट पे उसको थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के रात को ढक दीजिए, और उससे उसको ठीक हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग है तो वही यही चीज़ यूज़ करें, उससे ठीक हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं सरसों का तेल काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, तो ये सरसों का तेल हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है, तो आप इस चीज़ में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि बेबी को हाइड्रेट रखें 24 घंटे, और कभी भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना होने दें, जितना हो सके उसको हाइड्रेट रखें, वाटर इंटेक कराएं। और जैसे होता है कि हम मॉम्स होते हैं भूल जाते हैं बेबी को वाटर देना, तो आप लोग बार बार उसको वाटर देते रहें बेबी को, जिससे कि जैसे छोटा बेबी है जो हमें नहीं बोल पा रहा है कि मुझे वाटर चाहिए, तो उसको दे दें। 6 मंथ से ऊपर वाले बेबीज़ को हम वाटर इंटेक करा देते हैं, तो आप 6 मंथ से ऊपर वाले बेबी को वाटर ज़रूर दें। छोटा बेबी है 6 मंथ से छोड़ 6 मंथ से थोड़ा ऊपर है, 1-2 मंथ, 7-8 मंथ का है, तो उसको स्पून से ज़रूर दें वाटर थोड़ा थोड़ा। और अगर बड़ा बेबी है, 1 ईयर से ऊपर हो चुका है, खेलने वाला हो चुका है, तो उसको बार बार एक एक दो दो घंटे के गैप में आप लोग ज़रूर उसको वाटर के लिए थोड़ा फोर्स करें कि पी दें वाटर उसको, और अगर वो पीना पसंद कर रहा है तो पिलाइए उसको। और तो कुछ भी आप उसमें थोड़ा जूस बना के दे सकते हैं उसको, कोई फ्रूट्स काट के दे सकते हैं, सैलेड के उसमें जैसे आप उसको कुकुम्बर दे सकते हैं, तो उससे बेबी के बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो उससे भी ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी।
और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।